आम का सीजन चल रहा है तो आम की रेसिपी बनाना तो बनता है। तो आज हम बनाएंगे आम का हलवा। रेसिपी को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुजाता। स्वागत है आपका सुजाता'स किचन में। आज मैं लेकर आई हूँ आम के हलवे की रेसिपी। तो चलिए मज़ेदार से रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ऑन करके हमने कढ़ाई रख ली है गैस में। अब हम इसमें ऐड करते हैं घी। अभी हम 1 ही चम्मच घी लेंगे। घी मेल्ट हो गया है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे, मैंने यहाँ पे आधे बाउल सूजी ली है, इसे हम ऐड करेंगे। इसे हमें लगातार चलाते हुए भून लेना है सुनहरा कलर आने तक। लो और मीडियम आंच में हमने इसे भूनना है। अगर लगे कि कढ़ाई ज़्यादा गर्म हो गई है तो आप गैस को लो कर लीजिए। लो मीडियम के बीच में हमने सूजी को सुनहरा कलर आने तक भून लेना है और इसी तरीके से चलाना है, नहीं तो सूजी तले पे लग जाएगी। देखिए सूजी का सुनहरा कलर हो गया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 इलायची, मैंने कूट ली है इसे भी हम मिला लेते हैं। सूजी हमारी भून चुकी है तो अब गैस की फ्लेम को एकदम लो कर लेना है। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अब 1 बाउल, मैंने यहाँ पे चीनी ली है। आप मीठा कम पसंद करते हैं या ज़्यादा पसंद करते हैं उसके अनुसार आप यहाँ पे मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 4 आम पके हुए, जिनका मैंने पल यानी कि गुदा निकाल लिया है। तो अब चलते हैं गैस की तरफ और बाकी की सामग्री बनाते रहते हैं और दिखते रहते हैं। इसे भी हम मिला लेते हैं। चीनी भी मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे आम का पल। इसे भी हम मिला लेते हैं अच्छे से। इस तरीके से आम को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। आम डालने के बाद मिक्स करते हुए 2 मिनट हमें इसे इसी तरीके से पकाना है। तले पे लगाते हुए इस तरीके से इसे चलाते रहना है, नहीं तो ये तले पे लग सकता है। अब मैं यहाँ आपको ऐड कर रही हूँ काजू बादाम ड्राई फ्रूट्स, मैंने थोड़ा ही लिए हैं। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं या फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। मैंने यहाँ पे 1 गिलास दूध लिया है, इसे भी हम ऐड कर लेते हैं, मिला लेते हैं। हमने दूध ऐड करा है तो अभी हम गैस की फ्लेम को बढ़ा लेते हैं। तले पे स्पून को इस तरीके से लगा चलाते हुए हमें इसे चलाते रहना है। अगर हलवे में आम के पल थोड़ा दिखाई दे रहे हैं तो आप उन्हें इस तरीके से मैश कर लीजिए। देखिए हलवा हमारा बन चुका है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच घी। और जब हलवा बन जाए उसके बाद हमको घी 1 चम्मच और ऐड करना है। अब हम इसे भी मिला लेते हैं। देखिए घी डालने से इसका टेक्सचर ही चेंज हो गया है। घी में इस तरीके से आप आम का हलवा बनाएंगे। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर लेते हैं। हलवा हमारा बन चुका है। आम के हलवे को मैंने कढ़ाई से बाउल पे निकाल लिया है। अब हम इसमें रखेंगे ऊपर से ऐसे प्लेट।
गर्मा गर्म आम का हलवा सर्व करने के लिए तैयार है। इसमें हम गार्निश के लिए ऐड करेंगे काजू, आप पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप बादाम भी ऐड कर सकते हैं। ऐसा हमारा आम का हलवा बनकर तैयार है। आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए। फैमिली एंड फ्रेंड के साथ आप रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।